नाउ टू टॉपिक इज कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस तो स्टूडेंट्स पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं द कार्टीशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर आप पहले वीडियो में देख चुके हैं क्या होता है तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होगा ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी ए से बी में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनका जो सेट होगा दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स लिख लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम टी सेट अगर ये दो नॉन एम टी सेट्स हैं तभी ऑर्डर पेयर बनेगा देन दर्टिजियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ऑर्डर पेयर ए से बी में हमको लेने हैं तो स्टूडेंट्स तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इसको हम इस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं ए क्रॉस बी ये जो कार्टिजन प्रोडक्ट होता है हम इसको इससे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी इक्वल टू ये हमारा क्या ऑर्डर्ड पियर ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकेंड एलिमेंट दैट इज बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी तो ये हमारा डेफिनेशन इतना हुआ ये उसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है तो एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है सपोज दैट स्टूडेंट्स ए क्वालू लिख देता हूँ वन टू और बी क्वल्टू लिख देता हूँ थ्री फोर डिफरेंट नंबर अब हमको ए करॉस भी निकालना है ए क्रॉस भी हमको एक सेट मिलेगा लेकिन सेट के पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए सभी ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए तो पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ लिखता हूँ वन यहाँ से लेंगे थ्री यहाँ से ले लिया वन यहीं से रहने दिया और फाइव यहाँ से ले लिया देन टू यहाँ से लिया फर्स्ट से और बी से थ्री ले लिया देन टू लिया और इधर से फाइव ले लिया अब इससे ज़्यादा ऑर्डर पेयर इसमें नहीं बनेंगे अब इन्हीं के सेट को मीन्स इनको हम करली ली ब्रेकट में ये एक सेट हो गया और इसी को हम कहेंगे ए क्रॉस बी और यही ए क्रॉस बी हुआ ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पूरा मिला ये आपका कार्टीसियन प्रोडक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स इसी एग्जाम्पल में अगर हमसे पूछ लिया जाए फाइंड बी क्रॉस क्रॉस ए तो हम बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे तो हम बी क्रॉस ए के लिए बी के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर में ध्यान रखेंगे बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे इटमीन्स आप लिख सकते हैं थ्री वन देन थ्री टू देन थ्री सॉरी फाइव वन फाइव वन एंड फाइव टू तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आपका कार्थिजियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डिफाइंड हो गया और स्टूडेंट्स एक चीज आपके समझ में आ रहा होगा कि सर वही नंबर तो लिखे गए हैं यहां वन थ्री यहां थ्री वन में क्या तो बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट्स वन थ्री नॉट इक्वल टू थ्री वन ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं है चीज ध्यान रखना पड़ेगा इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू पी एंड बी इक्वल टू क्यू यह होना जरूरी ऑर्डर पेयर अगर दोनों इक्वल हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के एलिमेंट के बराबर और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के बराबर होना जरूरी है अब यहां की बात क्यों करें तो वन थ्री के बराबर नहीं हो सकता और थ्री वन के बराबर नहीं हो सकता इसलिए वन थ्री और थ्री वन ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बता रहा हूं तो अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे कि दो ऑर्डर पेयर दिए होंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया कि इफ एक्स प्लस वन कॉमा फाइव ये एक ऑर्डर्ड पेयर है इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर सेवन कॉमा वाई माइनस टू फाइंड एक्स एंड वाई अब स्टूडेंट्स अगर ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनके फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होंगे दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वन किसके इक्वल होगा सेवन के इक्वल होगा दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वन सब्ट्रैक्ट होकर कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू सिक्स आ गया और इसमें एक दूसरा क्या होगा ये फाइव किसके इक्वल टू होगा वन माइनस टू इक्वल टू फाइव होगा दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू टू धर्जा करके ऐड हो जाएगा फाइव प्लस टू सेवन हो जाएगा तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा और अगर पूछा जाए कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं कि नहीं हैं तो आप चेक करके देखेंगे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर है तभी आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप कार्टीजियन प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि कार्टीजियन प्रोडक्ट कुछ नई चीज़ नहीं है दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी अब ए और बी सेट अलग अलग पी क्यू भी हो सकता है एक्स वाई भी सेट हो सकता है जिस सेट से जिस सेट की बात कर रहे हैं तो इसमें अच्छा स्टूडेंट्स ये भी जरूरी है कि दो सेट दिए हैं एक सेट होगा तो भी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए ए टू ए के लिए स्टूडेंट्स मान लिया इक्वल टू मैंने लिख लिया वन टू थ्री लिख लिया तो स्टूडेंट्स मैंने उसी ए से ए में डिफाइंड करने इसलिए इसको टू टाइम्स लिख लिया जिससे आपको आसानी हो एक जगह पर आपको ए मिलेगा और बी की जगह भी ए है तो इट मीन इसके हम जो काट, आ, बनाएंगे वन, वन, देन वन, टू, देन वन, थ्री। तो स्टूडेंट्स इस, इस तरह से देखिए मैंने बना दिया पहले वन से सब इस, इसके वन को लेकर के तीनों एलिमेंट्स को ले लिया फिर टू को लेकर कर तीनों एलिमेंट्स को ले लिया फिर थ्री को लेकर के तीनों एलिमेंट्स के ले लिया और इनके सेट को ही हम कहेंगे ए क्रॉस ए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और खास चीज़ है कि अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या होगा तो अब आप क्या करेंगे तब स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे किसी दो को एक ब्रेकेट में कर लो कर लिया अब ए यहाँ से ले लेंगे और ए क्रॉस ए यहाँ से ले लेंगे अब यहाँ से देखिए इसका बनाते हैं और इसको स्टूडेंट्स कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर नहीं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं तो ये जब ए से ले लेता हूं वन और ए क्रॉस ए से लेता हूं पहला ऑर्डर्ड पेयर डेट इज वन वन ये तीन बार हो गया फिर स्टूडेंट्स इसका पहले एलिमेंट रहने देता हूं वन अब इसका दूसरा एलिमेंट वन टू अभी इसी को रहने देता हूं सबके साथ करेंगे ऐसा वन उसके बाद वन थ्री फिर वन के साथ टू वन और इस तरह से ट्रिपलेट आप बना देंगे स्टूडेंट्स जितने भी बनेंगे आप उसको बना लेंगे और इस तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि कितने ऑड एलिमेंट्स इसमें बनेंगे तो एक फार्मूला है कि इफ ए हैव एम एन एन एलिमेंट एंड बी हैव एन एलिमेंट एलिमेंट्स सो ए क्रॉस बी हैव एम इंटू एन एलिमेंट्स ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा स्टूडेंट्स आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए